नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ओलंपिक खेल से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ओलंपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं उस सारे क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूँगा जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं और संभावना है कि आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। और यदि आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं और ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप, मुझे उम्मीद है कि जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ओलंपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन आप हल करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1896 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1894 ईस्वी में। चौथा सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर हो जाएगा लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। पांचवा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी? उत्तर हो जाएगा नीता अंबानी। छठा सवाल है, ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ? छठा सवाल, ओलंपिक ध्वज का सृजन कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1913 ईस्वी में। सातवां सवाल है, ओलंपिक ध्वज का प्रदर्शन प्रथम बार कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और आठवां सवाल है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंगीन चक्र है? उत्तर है 5। ओलंपिक ध्वज में कुल कितने रंगीन चक्र है? उत्तर हो जाएगा 5, जो कि 5 महादेशों का संकेत दर्शाता है। नौवां सवाल है, ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? नौवां क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। दसवां सवाल है, भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर हो जाएगा JRD टाटा। ग्यारहवां सवाल है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है? एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी कौन है? उत्तर हो जाएगा माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका का है, एक तैराक हैं। ये एक ही ओलंपिक में अलग अलग स्पर्धा में 8 स्वर्ण पदक जीते थे, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक कोई 8 स्वर्ण पदक नहीं जीत सका। बारहवां सवाल है, ओलंपिक खेल का टीवी पर प्रसारण कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर हो जाएगा 1960 ईस्वी से। तेरहवां सवाल है, भारत की तरफ से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? भारत की तरफ से ओलंपिक खेल में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन थे? उत्तर हो जाएगा नॉर्मन पिजार्ड। चौदहवां सवाल है, भारत प्रथम बार ओलंपिक खेल में अपना खिलाड़ी दल कब भेजा? भारत प्रथम बार ओलंपिक खेल में अपना खिलाड़ी दल कब भेजा? उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। और पंद्रहवां सवाल है, ओलंपिक खेल में प्रथम बार महिला का प्रवेश कब हुआ? ओलंपिक खेल में प्रथम बार महिला का प्रवेश कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। सोलहवां सवाल है, ओलंपिक खेल में प्रथम बार भाग लेने वाला ओलंपिक खेल में प्रथम बार भाग लेने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? उत्तर हो जाएगा मैरी लीला राव। सत्रहवां सवाल है, ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है?
ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा लारिना लब्याना, लारिना लब्यानिना। 18वां सवाल है, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस देश को है? एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन सा देश जीता था? तो उत्तर हो जाएगा रूस। जो कि 55 स्वर्ण पदक जीते थे एक ही ओलंपिक खेल में। 19वां सवाल है, ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाला भारत ओलंपिक खेल में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? उत्तर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी। 20वां सवाल है, ओलंपिक खेल में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक खेल में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाला वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तर हो जाएगा साक्षी मलिक। 21वां सवाल है, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली वाली प्रथम भारतीय महिला, क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिए, ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में रजत पदक जीती थी। 22वां सवाल है, ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला, ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो इसका आंसर हो जाएगा साइना नेहवाल। ओलंपिक बैडमिंटन में प्रथम कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला, उत्तर हो जाएगा साइना नेहवाल। 23वां सवाल है, ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला मैरी कॉम, ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तर हो जाएगा मैरी कॉम। 24वां सवाल है, ओलंपिक के जिम्नास्टिक स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला, उत्तर हो जाएगा दीपा कर्माकर। 25वां सवाल है, ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय पुरुष कौन थे? उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, 10 मीटर एयर राइफल में जो कि स्वर्ण पदक जीते थे। 26वां सवाल है, 31वें ओलंपिक का आयोजन किस शहर में हुआ? 31वें ओलंपिक का आयोजन किस शहर में हुआ? उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, 2016 में। 27वां सवाल है, 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, सॉरी 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? उत्तर हो जाएगा टोक्यो जापान, 2020 में होगा। और एक क्वेश्चन और है इससे, ओलंपिक खेल कितने वर्ष पे होते हैं? ओलंपिक खेल का आयोजन कितने वर्ष पे होगा? उत्तर हो जाएगा प्रत्येक 4 वर्ष पे ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यदि आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके नोटिफिकेशन में दिखाए। और अगला वीडियो मेरा जल्द ही आएगा, जो कि नेक्स्ट खेल के ऊपर होगा। और इस वीडियो यदि अच्छा लगा हो ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।